हेलो फ्रेंड्स, आज हम जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बनाएंगे ये हांडी केक, जिसे हम मटका केक भी कहते हैं। इसमें हम बांसुरी और बाकी चीजें भी बनाएंगे। तो किस तरीके से मैंने ये डिजाइन बनाया है और इसे हम बड़ी आसानी से कैसे बना सकते हैं, सारी डिटेल वीडियो मैंने दी है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेस लिया है, तो यहाँ पर मैंने वनीला प्रीमिक्स से ये केक बनाया है। वनीला प्रीमिक्स से केक की आपको रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले हम ऊपर की लेयर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तीन लेयर में केक को कट कर लिया है। एक एक करके यहाँ पर मैंने तीनों लेयर को बराबरी से काट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक हमारा कितना सॉफ्ट बन करके रेडी हुआ है। अब हम यहाँ पर क्रीम ले लेंगे। तो क्रीम को मैंने पहले से ही बीट कर लिया है। इसकी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। एकदम परफेक्ट क्रीम की वीडियो है, वहाँ से जाकर आप इसे कैसे बना सकते हैं ये सीख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर केक बोर्ड लिया है, इसके ऊपर हम हल्की सी क्रीम लगा लेंगे, जिससे कि हमारा केक बेस के ऊपर अच्छी तरीके से चिपके रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर लगाई है। फर्स्ट लेयर लगाने के लिए केक को रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने शुगर सिरप लगाया है। शुगर सिरप की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके केक का मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहेगा, आपका केक जल्दी से ड्राई नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर मैंने क्रीम की एक लेयर लगा ली है। एक स्पैचुला भर के मैंने क्रीम डाला है। उसे हम पैलेट नाइफ से हल्के हाथों से फैला करके बराबरी में क्रीम लगा लेंगे। और मैंने यहाँ पर ब्लूबेरी का केक बनाया है, तो ब्लूबेरी क्रश का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्रश को यूज़ करने से पहले अच्छी तरीके से शेक कर लेना है, उसके बाद ही क्रश का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच क्रश डाला है और इसे भी हम फैला देंगे। उसके बाद जिस तरीके से हमने पहली लेयर लगाई है, उसी तरीके से हम सेकंड लेयर भी लगाएंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाली लेयर थी उसे बीच में डाला है, इससे केक की हाइट ज़्यादा बन करके रेडी होगी। तो केक को हम उल्टा रखेंगे, ऊपर वाला जो हमारा लेयर होगा उसे हम उल्टा लगाएंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से हाइट निकल करके आएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने साइड की तरफ पे क्रीम लगाई है, जिससे कि केक की साइड्स की जो जगह खाली होगी उसमें क्रीम भर जाए। अब मैं यहाँ पर वापस से केक की लेयर लगा लूँगी। इसके लिए यहाँ पर मैंने पहले इसे शुगर सिरप से सोक किया, फिर क्रीम की एक लेयर लगाई, फिर ब्लूबेरी क्रश डालकर इसे भी अच्छी तरीके से फैला दिया। अब हम हमारी आखिरी लेयर रख करके इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आखिरी लेयर लगाने के बाद क्रीम ले करके अच्छी तरीके से इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। ऊपर के साइड पे मैंने इसे भी सोक कर लिया है, क्योंकि हमारा जो केक है वो मटकी फॉर्म में होने वाला है, तो साइड की एजेस जो है वो हमें रिमूव करनी होगी, जिससे कि हमारा जो केक है वो हल्का सा राउंड शेप में आए। इसलिए यहाँ पर हल्के हाथों से हमें चाकू को आगे पीछे चलाते हुए केक को काटना है, कुछ इस तरीके से। तो केक को जिगजैग फॉर्म में चलाते हुए यहाँ पर मैंने काटा है। अगर आप इसे डायरेक्ट काटेंगे तो केक को टूटने का डर होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने चाकू को आगे पीछे करते हुए चलाया है। इस तरीके से हम साइड के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है वो हल्का सा ऊपर के साइड से राउंड शेप का बन करके रेडी होगा। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने केक को कट किया है, इसलिए यहाँ पर क्रम कोटिंग करनी ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी क्रीम ली है और इसे केक के ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया है, जिससे कि केक का कोई भी टुकड़ा हमारी फाइनल कोटिंग में ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रम कोटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम ले लेंगे हमारी वाइट वाली क्रीम वापस से। इसमें हम ब्लू कलर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो केक है वो ब्लू कलर का होने वाला है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 ड्रॉप ब्लू कलर के डालेंगे क्रीम में और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ब्लू कलर की क्रीम जो है वो बन करके रेडी है। यहाँ पर मैंने जेल कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो लिक्विड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन लिक्विड कलर का जो फ्लेवर होता है, अगर आप हाई क्वांटिटी में डालो तो वो कड़वा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं हाई क्वालिटी वाला जेल कलर का इस्तेमाल करती हूँ। अब हम यहाँ पर क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लेंगे और नीचे से ऊपर की ओर क्रीम को लगा लेंगे। पाइपिंग बैग को हल्का सा कट किया है यहाँ पर मैंने, अच्छी तरीके से यहाँ पर नीचे से जाते हुए ऊपर की ओर क्रीम को हम लगाते जाएंगे। केक को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे क्रीम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक के ऊपर अच्छी सी क्रीम की लेयर लग चुकी है। अब हम पैलेट नाइफ की सहायता से इसे फैला लेंगे। क्रीम को फैलाने के बाद यहाँ पर मैंने स्क्रैपर लिया है। स्क्रैपर से हम इसे फिनिशिंग देंगे और स्क्रैपर को बीच से हल्का सा मोड़ेंगे और इसे
क्रीम पे चलाएंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो केक है वो थोड़ा सा राउंड शेप में अच्छी तरीके से निकल करके आएगा। अब हम यहाँ पर मटकी के ऊपर के साइड का डिजाइन बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग की सहायता से क्रीम को ऊपर के साइड पे बनाया है। तो राउंड घुमाते हुए हमें 3-4 लेयर डालते जानी है, जिससे कि ऊपर के साइड पे एक हाइट वाली क्रीम रेडी हो जाए। इसके बाद इसे हम फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर मुझे जो मेरा छोटा वाला स्क्रैपर था वो नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर मैंने छोटा सा गत्ता कट किया है, इसकी सहायता से हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो नीचे और ऊपर के साइड पे हल्के हाथों से हमें इसे फिनिशिंग देनी है। तो यहाँ पर हमारा जो आइसिंग का काम है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब आती है केक के डेकोरेशन की बारी। इसके लिए यहाँ पर मैंने जेल कलर बनाया है। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल जेल लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड किया है, साथ ही ब्लू कलर ऐड किया है। आप 2 चम्मच न्यूट्रल जेल लीजिए, उसमें 2 चम्मच पानी ऐड कीजिए, साथ ही 1 से 2 ड्रॉप आप ब्लू कलर के ऐड कीजिएगा, तो आपका ब्लू कलर का जेल बन करके रेडी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर स्क्रैपर की सहायता से जेल को फिनिशिंग दे दी है। तो दोस्तों अब हम इसे डेकोरेट करने वाले हैं। तो पाइपिंग बैग में मैंने व्हाइट कलर की क्रीम को फिल किया है और उसे हल्का सा कट किया है, जिस तरीके से हम मेहंदी वाला कोन कट करते हैं उसी तरीके से। अब हम हल्के हाथों से यहाँ पर राउंड घुमाते घुमाते इसमें डिजाइन बना लेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर मैंने डिजाइन बना लिया। उसके बाद इसके सेंटर से लेते हुए दोबारा इसी तरीके का यहाँ पर मैंने डिजाइन बनाया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक एक गैप करते हुए 4-4 बिंदी का डिजाइन दिया है, जिससे कि फ्लावर फॉर्म में ये दिखेगा। साथ ही नीचे के साइड पे 2-2 बिंदियां बनाई है, जिससे कि इसका लुक और भी बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पर केक के सेंटर पे क्रीम डालेंगे। पाइपिंग बैग को हल्के से प्रेस करेंगे तो इससे ज्यादा क्रीम निकल करके आएगी और हमारा जो माखन वाला डिजाइन है वो बन करके रेडी होगा। तो सेंटर में हम अच्छी तरीके से क्रीम को भर लेंगे और इसे ऊपर से नीचे की ओर लेकर के जाएंगे, जिससे कि इसका लुक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऊपर के साइड पे मैंने क्रीम डाल दी है, अब हम इसे धीरे धीरे करते हुए नीचे के साइड पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा केक ऑलमोस्ट बन करके रेडी है। मैंने इसमें बाउंड्री का डिजाइन नहीं दिया है, तो थोड़ी सी क्रीम यहाँ पर मैंने बनाई है। जो ब्लू वाली क्रीम थी उसी में मैंने हल्का सा ग्रीन कलर डाला है, जिससे कि ये ग्रीन कलर की बन करके रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर ग्रास वाले नोजल का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ये नहीं है या नोजल नंबर आपको पता नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो हम इसे प्रेस करते हुए खींचते जाएंगे तो घास का डिज़ाइन निकल करके आएगा। तो इस तरीके से हम राउंड घुमाते हुए बाउंड्री बना लेंगे। इसका लुक और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर मोरपंख का इस्तेमाल किया है, साथ ही यहाँ पर वेफर वाली जो रोल आती है उसका मैंने इस्तेमाल किया है बांसुरी दिखाने के लिए। इसे भी हम आधा इसके अंदर घुसा देंगे, जिससे कि ओरिजिनल बांसुरी का लुक निकल करके आएगा। आप चाहो तो फॉन्डेंट की भी बांसुरी बना सकते हो, लेकिन कस्टमर कॉस्ट के हिसाब से ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पर मैंने वेफर वाली बांसुरी बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा केक जो है वो बन करके रेडी हो गया है। केक आपको पसंद आया हो तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।